हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं एमडी खान, 7 स्टार AC में आप लोग का स्वागत है। आज हम चलेंगे सेक्टर 12, वहाँ पर एक डी फ्रिज है, उसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको हम शेयर करेंगे। ओके, चलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। आज मैं आया हूँ सेक्टर 12, और एक भैया है हमारे यहाँ पर, एक दुकान है चिप्स वगैरह की और पानी बोतल वगैरह बेचते हैं। तो इनका जो है डी फ्रीजर ख़राब है, डी फ्रीजर ख़राब है इनका। तो चलते हैं और देखते हैं डी फ्रीजर में क्या दिक्कत है। मैं अभी जो आया था, गेज वगैरह लगा के देखा हूँ तो थोड़ी सी गैस कमी है। अभी प्रॉपर फ्रॉस्टिंग हो रहा है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये है भैया की दुकान, ये भैया की दुकान है और अंदर जो है डी फ्रीज रखा हुआ है। तो चलते हैं फटाफट। ये जो है यहाँ पे एक डी फ्रीजर यहाँ रखा हुआ है, हम घुसेंगे, एंट्री करेंगे यहाँ पे दुकान पे। एक डी फ्रीजर यहाँ है और एक डी फ्रीजर वहाँ पे है, और एक जो डी फ्रीज वहाँ देख रहे हैं आप कोने में, बिल्कुल वो वाला डी फ्रीज है, वो प्रॉपर ठंडा नहीं करा था। अभी मैं चेक किया हूँ तो गैस थोड़ी बहुत कम थी, और जो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा था जिसमें आइस क्यूब रखते हैं। तो सबसे पहले हम बैक चेक कर लेते हैं, बैक प्रेशर कितना आ रहा है। 20 चल रहा है बैक प्रेशर, ठीक है, ज़्यादा है। और लाइट जला देता हूँ, ये देखिए, ये कंप्रेसर हो गया, और इसमें रखा हुआ है शायद आइस क्यूब रखा हुआ है। ये देखिए, फ्रॉस्टिंग भी आना चालू हो गया हुआ है, फ्रॉस्टिंग जो है प्रॉपर आना चालू हो गया हुआ है। ठीक है, ये डी फ्रीज है और इसको अभी भी 2-4 मिनट हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम सामने नज़र आता है, कंप्रेसर ट्रिप मारता है या प्रॉपर तरीके से फ्रॉस्टिंग आती है, देख लेंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ, और अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, अगर ये ट्रिप मार गया या और भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको बताएंगे, अगर ओके चल गया तभी भी बताएंगे। ठीक है, तो 2-4 मिनट वेट करते हैं और फिर उसको बताते हैं। फाइनली जो है यहाँ का जो है, अब तीनों फ्रिज सही चल रहा है, जैसा कि आप लोग इसको देख सकते हैं, पूरे पे फ्रॉस्टिंग आ रहा है। भैया का यहाँ पे पानी वगैरह भी निकलता है दुकान से, और उस वाले फ्रिज में हम चेक कर लेते हैं वो कैसा काम कर रहा है। ये जो है बड़ा फ्रिज है, उससे इसमें देख सकते हैं जो कंडेंसर कॉइल के साथ में इसमें फ़ैन लगा हुआ है, और कंप्रेसर जो है उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। बट इसमें भी जो है आपको ऑयल दिख रहा होगा, अब पता नहीं किस चीज़ का है। अभी फ्रिज अभी तो फिलहाल चल रहा है, लेकिन इसमें भी ऑयल दिख रहा है, ये देख रहे हैं ऑयल दिख रहा है। और इसको देख लेते हैं कैसा कूलिंग कर रहा है। ये देखो, इसमें जो है बर्फ़ जमा हुआ है चारों तरफ और कूलिंग कर रहा है, ठीक है, कूलिंग कर रहा है ये। और इसको एक बार चेक कर लेते हैं, जिसमें हमें ये भी जो है अब फ्रॉस्टिंग आना चालू हो गया है, क्योंकि अभी आधा घंटा हुआ है इसको लमसम ऑन करके, मैंने बाहर गया था, बाहर से आया, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग के पास भी डी फ्रिज है, इस तरीके की दुकान है, या घर का फ्रिज है या घर का एसी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर ऑलरेडी दिया रहेगा। अभी ये भैया का हम काम करने आए थे। भैया कैसा लगा मेरा काम? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपका दुकान जो है ये सेक्टर 12 में है। अच्छा, किसी भाई को अगर यहाँ से ठंडा लेना हो, पानी का बोतल लेना हो, चिप्स लेना हो, तो आ सकते हैं। और तो कैसा लगा ये जानकारी आप लोग को, जैसा कि हम जो फ्रिज अभी जो दुकान में डी फ्रिज को सही करके जो आए थे, उसमें एक्चुअल में 2 से 3 महीना पहले गैस लीकेज हो गया था, और उनका फ़िल्टर भी मतलब कि चेंज नहीं हुआ था। उसका फ़िल्टर चेंज नहीं हुआ था तो हमें लग रहा है कि शायद वो फ्रिज 1 मिनट के लिए चौक भी हो सकता है, लेकिन बट उसमें गैस कम था। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम पिन वाल लगाते हैं, वो पिन वाल जो उसका उसके ऊपर जो कैप हम लगाते हैं, उस कैप से भी धीरे धीरे गैस लीकेज हो जाती है, या तो इंटरनल कई बार जो डी फ्रिज होता है उसका कैबिनेट लीकेज हो जाता है, या हमारा जो कूलिंग कूलिंग कॉइल का जो सिस्टम होता है वो कहीं से भी
लीकेज हो सकता है। और कई बार हमने आपको एक वीडियो के अंदर एक बड़ा वाला जो डीप फ्रीज दिखाया था जिसमें कंडेंसर के लिए ऑलरेडी फैन लगा हुआ है, तो बहुत फ्रीज में नहीं होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर ही जो कंडेंसर कॉइल को घुमाया जाता है, तो उसमें दो जगह से कॉइल घूमता है। एक तो कूलिंग कॉइल का अलग होता है, जो बाहर की तरफ होता है वो कंडेंसर कॉइल होता है, जो मतलब कि बिना फैन का वो इंटरनल जो है कंडेंसिंग जो हीटिंग होती है उसको एडजस्ट करता है ये, ठीक है। तो ये फ्रिज में कमी जो नज़र आया मुझे कि मतलब कि गैस कम था, हमने उसको टॉपअप किया, और जो फ्रॉस्टिंग है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्रॉस्टिंग फर्स्ट क्लास आ रहा था। और आपसे ये भी कह दूं कि हमारा जो काम है मतलब कि हम क्या क्या चीज़ का काम करते हैं, अगर नए लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारा जो मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है हमारा कि किसी भी कस्टमर का काम मतलब कि काम बढ़िया होना चाहिए। हमें काम करते समय ये नहीं देखना है कि हमें पैसा कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, सबसे पहले हमें ज़रूरत ये होता है कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सर्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब उन लोग किसी लोगों का मतलब कि जो एक तार ही टूटा रहता है, अगर ऐसी जगह पे जाएं हम मान लीजिए कि 2 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो फिर जो हमारा विजिटिंग चार्ज होता है हम उस पर चार्ज करते हैं। और आप लोगों से भी बता दूं हमारा क्या क्या काम है, हमारा एसी इंस्टॉलेशन का काम है, विंडो स्प्लिट, विंडो स्प्लिट में आपको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों आ जाता है। और आपसे जो एसी सर्विस की बात है, हमारा डक्टेबल एसी, कैसेट एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, ये सारे हमारे यहाँ सर्विस किया जाता है। और आपसे कह दूं कि हमारे यहाँ जो है रेफ्रिजरेटर में आपको पेप्सी का हो गया, कोको कोला का हो गया, आपको जो कैडबरी का जो फ्रीज देखते हैं आप लोग जिसमें चॉकलेट रखा रहता है कैडबरी का, और जितने भी पेप्सी के, कैडबरी के, और कोई भी ब्रांड हो मतलब कि रेफ्रिजरेटर है तो उसको हम सही करते हैं। आपको ये भी बता दूं हमारा जो काम है वो कोल्ड स्टोर का भी है, मतलब कि जो पार्टी शार्टी रूम में होता है, जो बैंकट वगैरह में होते हैं कोल्ड रूम, या बड़े बड़े मॉलों में होते हैं, या जो रिलायंस फ्रेस होते हैं, या एजीडे होते हैं, इन सब में पाया जाता है अधिकतर। और जो बहुत व्यापारी जो यूज करते हैं, मतलब कि जो जिसमें एक कोल्ड रूम होता है जिसमें हम लोग केले को पकाते हैं, वो जो कोल्ड रूम होता है इंस्टॉलेशन या रिपेयरिंग हम दोनों चीज़ करते हैं उसका। अगर ये आपको रिक्वायरमेंट हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वॉशिंग मशीन का काम होता है, अगर आपको समरसिबल चाहिए या पैनल बोर्ड चाहिए, ठीक है, तो ये सब के लिए आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग याद रखें डायरेक्ट मुझे कॉल ना करें, पहले मैसेज करें, ठीक है। फिर मैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फालतू में हमें कॉल करने लगते हैं बहुत जगह से, और हम ऐसे में कॉल बहुत लोगों का रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप लोग मैसेज करें। एक्चुअल में कोई चीज़ चाहिए तो मतलब कि आपको एसी चाहिए रेंट पे, हमारे पास वो भी सुविधाएँ हैं, मतलब कि हमारा जो आसपास का एरिया होता है अवेलेबल, मैं हर जगह एसी कोशिश करता हूँ देने का। और जो मेरा चैनल है इसको आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और क्योंकि मैं जो हूँ अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये मोबाइल से वीडियो अभी हमारा जो है बनता है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश किया करूँगा, जितने भी प्रॉब्लम होती है बारीकी से बताने की कोशिश किया करूँगा। अभी क्या है जो मोटा मोटी प्रॉब्लम होता है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर धीरे धीरे आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हमारा जो वीडियो है इनको शेयर करेंगे तो आप लोग को कोशिश ये करूँगा कि जितना भी तरीका होता है काम करने का, जितना बेस्ट तरीका, हम वो तरीका आपको बताएंगे। अगर किसी बंदे को काम सीखना है, अगर हमारे पास काम नहीं सीख के अगर हमें ऑनलाइन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या हमारा जो यूट्यूब चैनल है 7 Star AC, इनके जरिए अगर काम सीखना चाहते हैं तो ऐसे लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए।